आखिर कौन है डेंजी के फादर? क्या सच में डेंजी के फादर ने सुसाइड किया था या फिर उनका मर्डर किया गया था? एंड डेंजी की जानलेवा हार्ट डिजीज कैसे ठीक हुई? इन सारी बातों को हम जानेंगे आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। चेंसो मैन एनिमे के सबसे फेवरेट कैरेक्टर डेंजी की लाइफ के बारे में तो सबको पता है, बट डेंजी मॉम एंड डैड के बारे में अभी तक ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बट हमें एक हिडन फैक्ट जानने को मिला है कि डेंजी और उसके फादर दोनों के हेयर सेम थे, यानी कि स्कर्फी ब्लॉन्ड। एंड अभी तक हमें डेंजी के सरनेम के बारे में भी कोई हिंट नहीं मिली है, और ये चीज चेंसो मैन फैंस को पागल कर रही है। वेल, हमने एपिसोड 1 में देखा कि डेंजी के फादर ने सुसाइड कर लिया था, बट एक्चुअली में उन्होंने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उनका मर्डर किया गया था। एंड डेंजी की मॉम की डेथ एक सीरियस हार्ट डिजीज की वजह से हुई थी, जिसमें उन्हें खांसते वक्त ब्लड आता था। डेंजी के फादर का कैरेक्टर बहुत एडमायरिंग नहीं था और उनकी पर्सनालिटी तो और भी खराब थी। एक छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि डेंजी के फादर बहुत अब्यूसिव थे डेंजी के टुवर्ड्स बचपन में, और डेंजी को काफी मारते भी थे। साथ ही वो ड्रिंक करते थे और गैम्बलिंग में बहुत सारे पैसे वेस्ट कर चुके थे, और ये पैसे वैसे थे जो कि उन्होंने उधार लिए थे। डेंजी के फादर ना तो एक अच्छे फादर बन पाए और ना ही एक अच्छे हस्बैंड। वेल, अगर डेंजी के फादर ने सुसाइड नहीं किया था तो किसने मर्डर किया उनका? क्या वो डेंजी था? तो हाँ, ये सच है कि डेंजी ने ही अपने फादर का मर्डर किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके फादर उसे मार डालते। बट डेंजी ने अपने फादर पर अटैक सेल्फ डिफेंस में किया था। डेंजी के फादर की डेथ को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था वो अभी तक क्लियर नहीं है। बट जो याकुजा था जिससे डेंजी के फादर ने लोन लिया था, उसने सोचा कि अगर पुलिस को ये बात पता चलेगी तो पुलिस डेंजी को जेल में डाल देगी। तो याकुजा ने प्लान किया और सबको बोला कि डेंजी के फादर ने सुसाइड किया है और वो डेंजी से डेविल हंटिंग का काम करवाता था, सो जो लोन डेंजी के फादर ने लिया था उसका हिसाब पूरा हो जाए। जैसा कि हमने पहले बात करी कि डेंजी के मॉम को हार्ट डिजीज थी, तो ये सेम डिजीज डेंजी को भी थी। और जब पोचिटो ने डेंजी के हार्ट को खुद के हार्ट के साथ बदला, तो डेंजी के अंदर जो भी डिजीज थे वो सारे खत्म हो गए थे, और साथ ही डेंजी ने अपने बहुत सारे ऑर्गन्स को बेच दिया था अपने फादर के लोन को चुकाने में, वो भी पोचिटो की वजह से वापस आ गए थे। आपको क्या लगता है, ये डेंजी और पोचिटो की दोस्ती है या एक दूसरे को सर्वाइव रखने की कोशिश? गाइस, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मुझे नहीं पता, जल्दी से उस लाल बटन को दबा दो।